हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर रखर चैनल में। जैसा कि हमने प्रेजेंट इन एब्सेंस जो चैप्टर है उसके दो स्टेंजास कर लिए हैं, आज हम उसका लास्ट स्टेंजा आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाय एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन। इस गैर मौजूदगी से मेरा यही मतलब है कि मैं तुम्हें पा सकता हूं, तुम मेरे पास ही हो। दैट आई कैन कैच हर, मैं उसे पकड़ सकता हूं। वेयर नन कैन वॉच हर, जहां उसे कोई भी नहीं देख सकता। पोएट जो है वो जो उसकी प्रेमिका है, उसकी वाइफ, उसके बारे में बता रहा है कि वो भले ही चाहे उससे दूर हो गई है लेकिन वो उसके मन में बसी हुई है। वो शारीरिक रूप से उससे दूर हुई है लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो उसके साथ ही है, उसके मन में। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन, मेरे दिमाग के, मेरे मन के किसी एक कोने में। देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, जहां मैं उसे गले लगा सकता हूं और उसे किस कर सकता हूं। एंड सो एंजॉय हर एंड नन मिस हर, और मैं इसका आनंद ले सकता हूं और मैं उसे जो है वो मिस नहीं कर रहा। क्यों नहीं मिस कर रहा? क्योंकि वो मेरे पास ही है, मुझसे कभी भी दूर नहीं हुई है, मेरे मन में बसी हुई है। चलिए रेफरेंस पढ़ते हैं। These lines of Donnie's poem present in absence. ये जो last lines हैं Donnie's poem की, इसका नाम है present in absence. So the poet's liking for the physical as well as platonic love. ये दिखाती हैं कि जो poet है वो physical love को भी उतना ही पसंद करता है जितना कि आध्यात्मिक प्रेम को. Platonic love means आध्यात्मिक spiritual love. He tells that the passage of time of the separation of lovers. ये बताता है separation of time, time जो दूर होने का जो समय है, अलग होने का समय है, उस समय को बताता है. Cannot exercise any influence upon the lovers. प्रेमियों पर, प्रेम पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है. And their love remains the same. और जो उनका प्रेम है वो एक जैसा रहता है. Rather it, फिर भी, बल्कि, becomes stronger than before. बल्कि पहले से और अधिक शक्तिशाली, मजबूत हो जाता है. He advises that the lovers should keep their love concealed. वह परामर्श देता है, सलाह देता है कि जो प्रेमियों को उनका प्रेम है वो कंसील्ड रखना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए. विच विल बी ए सोर्स ऑफ ग्रेटर प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन फॉर देम, जो उनके लिए, प्रेमियों के लिए संतुष्टि और आनंद का एक बड़ा स्रोत हो सकता है. चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. Explanation. Here the poet again affirms means pushti karta hai, that absence of the lovers from each other is not harmful for them in the least. Thode samay ke liye, least means kam samay ke liye, jo alag hona hai apne prem se, wo harmful, hanikarak नहीं है एक दूसरे के लिए. दे विल कीप दिस मेमोरी इन देयर हार्ट, वह उनकी स्मृति को, प्रेम की या प्रेमिका की जो स्मृति है उसको हृदय में रखते हैं. एंड विल गेट मच ग्रेटर प्लेजर, और उससे और अधिक आनंद की अनुभूति करते हैं. द लवर इन दिस सिचुएशन,
प्रेमी है जो इस स्थिति में विल ऑलवेज लव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, प्रेमी है वो इस स्थिति में बिना किसी रुकावट के बाधा के प्रेम करते हैं। ही कैन लव हर एंड कैच हर इन हिज आर्म्स, वह उसको पकड़ सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, एज ही लाइक्स, जैसे भी चाहे। यहां पर जो बातें चल रही हैं पोएट के, वो मन के अंदर चल रही हैं कि वो अपने मन में क्या क्या सोच रहा है, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि मन में जो है वो कुछ भी कर सकता है और वहां उसको कोई भी रोक नहीं सकता और कोई भी देख नहीं सकता। When they will be with each other, जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं, nobody will see them involved in this act, जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं, nobody, कोई भी उन्हें नहीं देख सकता इस act में, इस काम में। This will present their love in one or the other corner of their mind, यह present करता है, दर्शाता है उनका प्रेम in one, एक या फिर किसी और दूसरे कोने में किसी अपने मन के। एंड दस, और फिर विल नेवर लूज साइट, और कभी भी जो उसकी देखने की जो शक्ति है उसके प्रेम को, द ऑफ द अदर इवन फॉर द मोमेंट, एक समय के लिए नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है। दिस सिक्लूजन विल गिव देम ग्रेटर प्लेजर, सिक्लूजन मीन्स होता है तन्हाई, अकेलापन, यह तन्हाई विल गिव देम, देती है उन्हें ग्रेटर प्लेजर, बड़ा आनंद देती है। एंड दे विल ऑलवेज इंजॉय ईच अदर्स कंपनी, और वे एक दूसरे का साथ पाना पसंद करते हैं। दे विल मेक देयर लव इमोर्टल, वे अपने प्रेम को इमोर्टल, अमर बना लेते हैं। एंड विल सेव देम फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस, और अपने आप को बचा लेते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाओं से, परेशानियों से। एंड वर्ल्डली ह्यूमिलिटेशंस, और जो दुनिया के अंदर, जो समाज के अंदर उनका जो अपमान होता है उससे। हेयर द पोएट शोज हिज फेवर फॉर प्लेटोनिक लव, यहाँ पर जो पोएट है वो दिखाता है अपना फेवर किसकी तरफ, प्लेटोनिक लव, स्पिरिचुअल लव, आध्यात्मिक प्रेम की जगह पर। He tells that only physical union is not enough, केवल शारीरिक प्रेम करना ही, शारीरिक जोड़ होना ही काफी नहीं है। The lovers should remain mentally one, प्रेमियों को प्रेम के लिए मन से भी तैयार होना चाहिए। Still, फिर भी the touch of sensuality cannot be denied, लेकिन फिर भी जो कामुकता का जो एक स्पर्श है उसको हम नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। दिस यूनियन ऑफ द फिजिकल एंड प्लेटोनिक लव मेक्स डोनीज ग्रेट लव पोएट, यह जो यूनियन है, जोड़ है फिजिकल एंड प्लेटोनिक लव का, आध्यात्मिक और शारीरिक प्रेम का, यही बनाता है डोनी को एक महान पोएट। तो आज हमने ये तीसरा स्टेंजा कंप्लीट कर लिया है, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।